Hey guys, welcome back once again, and you guys have already read the title of the video. Let's go. मुझे मैसेज वगैरह आते रहते हैं बहुत लोगों के, मुझसे पूछते हैं कि मैम आपका एक्सपीरियंस कैसा था इंटरव्यू के रिलेटेड, तो आप बताइए. तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने कोई कोर्स नहीं किया और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने क्लियर कर लिया था इंटरव्यू, और मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था जो मैं फ्रेशर एज अ फ्रेशर अप्लाई किया मैंने. तो हुआ ये कि मुझे मैं तो पहले कैबिन क्रू नहीं थी, पहले मैं ऐसी नॉर्मल ऑफिस जॉब में थी. तो बहुत से लोग फ्रेंड्स लोग बोलते थे कि तुम्हें कैबिन क्रू के लिए ट्राई करना चाहिए. तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, बहुत सुना है मैंने, लॉन्ग प्रोसीजर होता है, बहुत महीने निकल जाते हैं, कौन करेगा. फिर फॉर्मल कपड़े पहनो इंटरव्यू के लिए, सब मेरे पास फॉर्मल कपड़े नहीं थे. तो मैंने सोचा छोड़ो यार, क्यों करें हम लोग अप्लाई वगैरह. तो फिर मैंने वो थॉट जो है गिव अप कर दिया. लेकिन फिर ज़्यादा लोग कहने लगे, तो मैंने सोचा चलो अभी एक बार ट्राई करने में क्या जाता है. तो मैंने वैसे भी मुझे बनना था, अभी ये नहीं कि लोगों के बोलने से मुझे बनना था ही. तो मैंने रिक्वायरमेंट्स पढ़ लिए और उस रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से फिर मैं इंटरव्यू की डेट के लिए अपना मैंने सीवी बनाया. फिर उसके बाद में मेरे पास फॉर्मल कपड़े तो थे ही नहीं. तो लेट मी टेल यू गाइज, मैं द प्लेस वेयर आई यूज टू वर्क वॉज मॉर्गेज कंपनी विच वॉज बेस्ड इन अमेरिका. सो दे यूज टू अलाउ कैजुअल क्लोथ. सो मेरे पास कैजुअल कपड़े ही थे, मेरे पास फॉर्मल नहीं था. तो मैंने अपनी बहन से मांग लिया इंटरव्यू के लिए. मेकअप करना तो मुझे आता था ही, बाल बाल ठीक से बना लिया इंटरव्यू में जहाँ पहुंची. अब इंटरव्यू में क्या है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीजें पता थी कि आपको बिहेव कैसे करना है, व्हाट शुड बी योर बॉडी लैंग्वेज, आपको कॉन्फिडेंटली कैसे बिहेव करना है. वन थिंग दैट आई केप्ट इन माय माइंड वाज दैट यू हैव टू कीप स्माइलिंग ऑल द टाइम. ओके, ये सब छोटी छोटी चीजें. और फिर उसके बाद में इंटरव्यू में जब गई तो वहाँ पे ऐसे पोस्टर्स लगे थे बड़े बड़े कैबिन क्रू के यूनिफॉर्म में. तो मुझे लगा अरे मैं कहाँ, मैं मुझे तो कुछ आता भी नहीं, मुझे जॉब के बारे में पता नहीं. फिर भी और दूसरी लड़कियों को देखा मैंने वहाँ पे, वो भी लोग मेकअप वगैरह करके आए अच्छे से, काफ़ी अच्छे से आए थे लड़कियाँ. तो कोई भी तो परफेक्ट नहीं होता है, तो जो भी लोग बहुत अच्छे से तैयार हुए थे या फिर जिनके फॉर्मल क्लोथ्स काफ़ी अच्छे थे, तो मुझे देख के लग रहा था अरे यार इसका कितना अच्छा है, लगता यही सिलेक्ट होगी. ऐसे सोचने लगी मैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स आते हैं बहुत ज़्यादा, और आपको अंदर ही अंदर ऐसे लगता है कि नहीं यार मेरा हो सकता है कि नहीं. तो ये दिमाग में रखना है कि आई एम द बेस्ट, ये वाली फीलिंग लानी, आई एम द बेस्ट, आई हैव टू गेट सिलेक्टेड एनी हाउ, कॉन्फिडेंट रहना है बस, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं. तो जब फर्स्ट राउंड था तो वहाँ पे बड़ा सा हॉल था, वहाँ पे बहुत से लोग आए हुए थे इंटरव्यू के लिए. तो ऐसे हुआ कि जो इंटरव्यूअर थी वो मैम ने क्या कहा कि अराउंड 8 से 10 लड़कियाँ आके आ जाओ, 8 से 10 लड़कियाँ आके चली गई. उसके बाद में मेरा जो था फर्स्ट रो था, तो मैं सुन पा रही थी कि वो क्या क्वेश्चन पूछ रही है इंटरव्यूअर. सो शी वॉज आस्किंग बेसिक क्वेश्चंस लाइक यू नो टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, और क्या पूछ रही थी, ऐसी बार यू वांट टू बी अ कैबिन क्रू, ये सब बेसिक क्वेश्चंस. मैंने सुनने लगी कि क्या क्या आंसर दे रहे लड़कियाँ, और वहाँ पे लोगों को रिजेक्ट भी किया. कोई कोई जिनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स थे या फिर जिनकी स्किन में बहुत ज़्यादा विजिबल स्कार्स थे, उन लोगों को रिजेक्ट कर दिया. ये सब पता चलती है बातें, क्योंकि कुछ कुछ लोगों की कम्युनिकेशन अच्छी थी, फिर भी स्किन की वजह से निकाल दिया. तो ऑब्वियसली स्किन की वजह से ही रिजेक्ट कर दिया होगा. फिर उसके बाद में किसी की कम्युनिकेशन थोड़ी सी अच्छी नहीं थी तो उनको रिजेक्ट कर दिया. फिर उसके बाद में मेरा नंबर आया तो मुझे भाई टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, व्हिच आई आंसर वेरी नॉर्मली. देन शी आस्क्ड मी व्हाट डू यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू. सो इसका आंसर मैंने बाकी लोगों से थोड़ा सा हटके दिया, जो कि सारे लोग कहते हैं कि आई वॉन्ट टू सी द वर्ल्ड, आई वॉन्ट टू मीट न्यू फ्रेंड्स, घूमना फिरना, ये सब नहीं कहा मैंने. मैंने कहा कि the place where I used to work, as I said, it was based in America. It's a mortgage company. वहाँ पर हमारा काम ये था कि जो भी लोग के घर नीलाम हो रहे हैं, उनके घर को नीलाम ना होने देना, उन्हें किसी तरह हेल्प करके बचा लेना है. ये कंपनी थी बैंक मॉर्गेज. सो मैं ऐसी जगह पे काम करती थी जहाँ मैं लोगों के घर बचाती थी. अब मैं ऐसी जगह काम करना चाहती हूँ जहाँ पे मैं लोगों की जान बचाऊंगी. सो आई एम गोना बी वेरी ब्लेस्ड. तो इंटरव्यूअर ने मुझे क्रॉस क्वेश्चन किया, उन्होंने मुझे कहा कि इमरजेंसी हर रोज नहीं होगी, हर रोज आपको सर्विस करनी है. तो मैंने बोला कि
इमरजेंसी रोज तो नहीं होगी, लेकिन उसके लिए प्रिपेयर्ड 100% होना चाहिए, क्योंकि अगर आप 1% भी प्रिपेयर्ड नहीं होंगे, कोई दिन इमरजेंसी होगी तो आपकी जान जा सकती है। एंड शी वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय दैट आंसर। और वो तो मुझे तो लगता है कि वो ना इंटरव्यूअर जो है सिर्फ मतलब टेस्ट कर रही थी कि मेरी नॉलेज कितनी है, बट शी सिलेक्टेड मी इन द फर्स्ट राउंड। सेकेंड राउंड वॉज फॉर हाइट एंड वेट। तो हर, जैसे मैंने कहा कि हर एयरलाइंस के क्राइटेरिया अलग होता है, रिक्वायरमेंट्स। मेरा हाइट और वेट जो एयरलाइन में मैंने अप्लाई किया था उसमें मैच हो रहा था, तो मुझे सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद में और हाँ गाइस, लेट मी टेल यू, हाइट उसके लिए होता है बिकॉज यू हैव टू रीच दी सेफ्टी इक्विपमेंट इन दी ओवरहेड बिन, वो है। फिर उसके बाद में थर्ड राउंड जो था वो वही सेम दिन नहीं था थर्ड राउंड। थर्ड राउंड के लिए काफ़ी वेट करवाया, थर्ड राउंड के लिए ईमेल आया था मुझे, फिर उसके लिए वेन्यू और डेट बताया मुझे। फिर वो थर्ड राउंड के लिए मैं जा पहुंची फिर से। वो थर्ड राउंड कैसा था कि थोड़ा सा कोई कंपनी के जो हायर पोस्ट पे होता है ना, जो मैनेजर या फिर मैनेजर से भी ऊपर ऊपर टॉप टॉप नॉचेस वाले, वो लोग आधे इंटरव्यू ले रहे, तो सिर्फ एक सर कोई तो थे। वो एक रूम था बड़ा सा, इस बार 10-10 लड़कियां, मतलब बहुत सारे लोग एक साथ नहीं थे एक हॉल में, ऐसे था कि बाहर वेटिंग एरिया था, फिर एक एक करके अंदर जाना था। और इस रूम में बहुत सारी लाइट्स थी। अब लॉजिक बताती हूँ आपको, लाइट्स जो बहुत सारी थी वो इसलिए कि ये लोग देख पाए कि भाई किसी के फेस पे कुछ स्कार्स है क्या, पिंपल्स है क्या क्या, ये सब देख रहे थे। तो मेरी तो स्किन अच्छी थी गाइस, सो आई गॉट सिलेक्टेड। मुझे आई एम ब्लेस्ड विद अ गुड स्किन, ब्रेकआउट्स वगैरह भी काफ़ी रेयरली आते हैं, लेकिन अगर गाइस आपको है तो ध्यान दीजिए, आप कंसील वगैरह करके चले जाओ अच्छे से, और ताकि उन्हें पता ना चले। तो फिर ये लेकिन वो लोग ऐसा चेक नहीं करते गाइस कुछ, लेट मी टेल यू दिस, बट लाइट्स में काफ़ी विजिबल हो जाता है। तो उन्होंने पूछा कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आर एयरलाइन, दिस वाज द क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड। तो मैंने कहा कि मैंने एक पोस्ट पढ़ा था फेसबुक पे आपकी एयरलाइन के बारे में, जिसमें जो क्रू ने है, जो जो क्रू, शी वेंट आउट ऑफ द वे और फिर उसने पैसेंजर की मदद की, तो मैंने, मुझे भी उसकी तरह बनना है और आपकी एयरलाइन को बेस्ट सर्विस देनी है पैसेंजर्स को। सो ही लाइक द आंसर, ही सिलेक्टेड मी। और मोस्ट प्रोबेबली ऐसे होता है ना कि थर्ड राउंड में किसी किसी लोगों का थर्ड राउंड लंबा चला गया थोड़ा, क्योंकि कभी कभार उन लोगों को लगता है ना कि कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा 2-3 सवाल और पूछ लेते हैं ताकि वो लोग ये देख पाए कि ये बंदा जो है इंग्लिश में और कितने अच्छे से बात कर सकता है, ऑब्वियसली बिकॉज इंग्लिश इज ग्लोबल लैंग्वेज, दैट्स वाई। ओके, तो हो गया ये थर्ड राउंड। थर्ड राउंड में सिलेक्शन होने के बाद में जो था फाइनल राउंड था, लेकिन फाइनल राउंड अगेन सेम डे नहीं था। फाइनल राउंड के लिए बहुत वेट करवाया, अगेन ईमेल आया था कुछ वीक्स बाद, जो उसकी डेट वेन्यू दी गई थी, तो मैं चली गई। और फाइनल राउंड, जैसे कि मैंने सोचा था कि बहुत टफ होगा, बट इट वाज वेरी इजी वन, बिकॉज फाइनल राउंड जो है एचआर के साथ में होता है। तो मैं फाइनल राउंड के लिए जब गई तो वहाँ पे एंड एंड तक के बहुत कम लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, तो ऐसे होता है ना कि जो लोग सिलेक्ट नहीं हो पाते ना, फिर वो लोग जो उन लोगों से सवाल पूछते हैं जो भी लोग सिलेक्ट हो गए उनसे, कि क्या पूछा आपका, कैसे सिलेक्शन हो गया, ये सब। एंड यू नो सम, कोई कोई तो रोने भी लग जाती लड़कियां, तो मैं यू नो मैं समझा रही थी, नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं होता, अरे तुम्हारी एज ही क्या है, भी रुक जाओ, भी बहुत पूरी जिंदगी बाकी है, ऐसे मैं समझाने लगी लड़कियों को। ऐसे तो कुछ साइड कमजोर लोग थे, कुछ साइड जो है ओवर स्मार्ट लोग थे। फॉर एग्जाम्पल एक्सपीरियंस कैबिन क्रू, मैं ये नहीं कहना चाहती कि वो लोग ओवर स्मार्ट थे वगैरह, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई एक्सपीरियंस थे तो यू नो वो लोग को शायद आके हमारी फ्रेशर्स लोगों की मदद करनी चाहिए थी, बताना चाहिए था कि एज अ ग्रुप आप ये आंसर कर सकते हो, बट नहीं, यू नो एक्सपीरियंस लोगों ने तो अलग से ग्रुप फॉर्म करके बैठ लिए थे और अपनी ही चिट चैट, अपनी ही बातें कर रहे थे। सो लेलर भी फ्रेशर्स वाले ग्रुप अलग से यहाँ बैठे थे, एंड वी वर डिस्कसिंग अरे क्या होगा फाइनल राउंड में, क्या है, कहाँ रहने मिलेगा सिलेक्शन होने के बाद में, ये सब चल रहा था हमारा डिस्कशन। फिर फाइनल राउंड में जब मैं गई तो वो लोग ने कुछ सवाल ववाल तो नहीं पूछा। फाइनल राउंड में मोस्ट प्रोबेबली डिस्कशन क्या होता है, आपकी सैलरी का डिस्कशन होता है, बेनिफिट्स क्या मिलते हैं वो डिस्कस करते हैं, आप कहाँ रहोगे वो डिस्कस करते हैं, आपको अग्री होना चाहिए जहाँ आपको कंपनी रहने के लिए देगी, आपको रिलोकेट करना है तो यू शुड अग्री टू दैट, ऐसे होता है।
तो आपको हाँ बोलना है, वो लोग बोलेंगे आपको कुछ भी सवाल पूछ लेते लास्ट राउंड में, पूछेंगे कि अगर फैमिली में कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है और ड्यूटी है तो आप किस चीज को इम्पोर्टेंस दोगे, तो आप ऑब्वियसली आंसर तो ड्यूटी ही करना है। वो बाद में लोग इम्पोर्टेंस फैमिली को देते हैं ज्वाइन करने के बाद, वो बात अलग है, पता नहीं सबकी अपनी प्रायोरिटी है, लेकिन इंटरव्यू में यही बोलना होता है दैट जॉब इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, दैट्स ऑल। सो लास्ट राउंड में विद द एचआर आई गॉट सिलेक्टेड एंड ऑफ लेटर तभी नहीं मिला। ये नहीं कि यू नो चारों चारों राउंड, अरे सब राउंड हो गए तो पार्टी इज ओवर, नो, मेन चीज बाकी है मेडिकल टेस्ट। और मेडिकल टेस्ट के लिए अगेन कुछ और हफ्ते रुकना पड़ा, ईमेल आया था मुझे, फिर मैं मेडिकल के लिए हॉस्पिटल टेस्ट के लिए मैं हॉस्पिटल में गई थी, बहुत सारे टेस्ट हुए, पूरा एक दिन चला गया था उसमें सुबह से शाम। और मेडिकल टेस्ट जो है कुछ दिनों के बाद में कंपनी को भेज दिए जाते हैं हॉस्पिटल की तरफ से, ये बताते हुए कि ये एम्प्लॉय जो है फिट, दिस एम्प्लॉय इज फिट टू ज्वाइन एज कैबिन क्रू। और फिर उसके बाद में कंपनी जो है हमें ईमेल करती है ऑफर लेटर, उसके बाद में फ्लाइट की टिकट ईमेल करते हैं, वो जो भी अगर सेम वे इफ इट्स एन इंटरनेशनल एयरलाइन देन दे सेंड द वीजा वगैरह भेजते हैं। और फिर उसके बाद में ट्रेनिंग की डेट्स कब से स्टार्ट होगी वगैरह ये सब सब कुछ ईमेल कर देते हैं, कहाँ रहना होगा, कैसे क्या लेकर आना है ट्रेनिंग के दिन, आपको फर्स्ट डे क्या लाना है, कंपनी का मेकअप का ग्रूमिंग की गाइडलाइंस क्या है वगैरह, ये सारे ईमेल वगैरह आ जाते हैं। फिर क्या, दैट्स इट गाइस, दैट्स हाउ आई गॉट द ऑफर लेटर। एंड उसके बाद में फिर मैंने बैग वैग बांधना शुरू कर दिया कि चलो भाई अब तो जाना है ट्रेनिंग के लिए। आई वाज हैप्पी एंड दिस वाज माय एक्सपीरियंस गाइस। अगर आपके भी कुछ एक्सपीरियंस है जिसमें आपने पहली बार इंटरव्यू दिया और कैसा रहा, आप प्लीज मुझसे शेयर कीजिए। जरूरी नहीं कि हर कोई पहले अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो जाए, रिजेक्शन होता है लाइफ में, तो आप कभी भी अपना दिल छोटा ना कीजिए रिजेक्ट होने के बाद, अप्लाई करते रहिए, एक ना एक दिन जरूर हो जाओगे, एज लॉन्ग एज यू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एयरलाइन, दिस इज द ओनली थिंग। ओके गाइज, आई होप यू आर लाइक्ड माई वीडियो, प्लीज कॉमेंट डाउन बिलो। आप लोग कमेंट करोगे तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को वीडियो जो है वो हेल्पफुल है कि नहीं। ओके एंड आई विल सी यू गाइज वंस अगेन, बाय बाय।